हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की जो टॉपिक होने वाली है दोस्तों, वो मैं अपने आर्म रेस्ट के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। जो मैंने आर्म रेस्ट अपने कार में लगाया है, जो मेरी कार आपको पता है जैसे कि XM है, जो मैं ये आर्म रेस्ट इस कार पे लगाया हूँ XM मॉडल पे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये XM पे लगता है, ये XE में भी लग सकता है, XT में भी लग सकता है, XZ मॉडल में भी लग सकता है। जैसे कि आपको पता है XZ में भी आर्म रेस्ट आता नहीं, तो आप चाहो तो ये इसको लगवा सकते हो। इसकी जो ये डॉटेड चीज जो यहाँ पे इसकी कवर लगी हुई है, ये बिल्कुल हैंड रेस्ट से मैच कर जाती है। चाहे आप XE लो, XT लो, या फिर XT तो आना बंद हो गया, XM ले लो, इससे मैच कर जाती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट फिट किया हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं पीछे जाने वाला, पीछे जाके आपको दिखाने वाला, यहाँ का जो हिंजेस है वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो आफ्टर मार्केट ही है। और इसका जो कम्फर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हाथ ऐसे हैंड को यहाँ पर रख के आराम से स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम मिलता है। मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर अपने आर्म रेस्ट को आप मॉडिफाई कराना चाहते हैं, जैसे कि आपकी जैसे कि मेरी कार की जो यहाँ पे सीट की जो कवर है, ये जो थ्रेड है, ये वाइट कलर का थ्रेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप इस जो यहाँ पे जो थ्रेड आता है, आप इसको वाइट में मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर में ऑलरेडी आपको दिखाया। आपका अगर ये जो इंटीरियर का थीम है और जो सीट कवर जो है वो अगर रेड में है, तो आप ये कस्टमाइज़ करके यहाँ पे जो थ्रेड लगता है ये रेड में मैं करके दे दूँगा। ये स्पेशल कैटेगरी का ऑर्डर आता है दोस्तों, अगर आप इसको ऑर्डर करते हो तो मुझे ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसको बनाने के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट ये भी आपके एड्रेस पर ऑन टाइम जब मैं बोलूँगा तब डिलीवर हो ही जाएगी। जो ये आर्म रेस्ट है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ सामान यहाँ पे रखे हैं आर्म रेस्ट वगैरह। तो जो इसके जो हिंजेस होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे ब्लैक कलर के होते हैं, और जो स्क्रू भी होते हैं वो ब्लैक होते हैं। इसका हल्का सा पेंट निकल गया आप देख सकते हैं। वैसे आप अगर नए ऑर्डर करते हो तो आपको पूरे ब्लैक हिंजेस के साथ जो स्क्रू मिलेंगे वो पूरे ब्लैक स्क्रू मिलेंगे। मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पीछे जाके दिखाता हूँ पीछे से ये हैंड रेस्ट का लुक कैसे आता है। एक बार मैं पीछे बैठता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं पीछे बैठ गया हूँ तो जो आर्म रेस्ट का जो लुक आ रहा है दोस्तों, आप कुछ इस टाइप से आ रहा है। आपको बिल्कुल भी यहाँ से पता नहीं चलता कि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, जब तक आप नीचे झुक के नहीं देखोगे। आप इतने नीचे से जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा हल्का सा यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छे से फिक्स्ड है। आप देख सकते हैं बहुत ही टाइट है, ये हिलता बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, अब मैं कस्टमर का रिव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कस्टमर ने मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में भेजा था। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू गाइस। हाय, आई एम सुनील कुमार फ्रॉम कच्छन। आई बॉट दिस आर्म रेस्ट फ्रॉम अंकित। इट्स सो परफेक्ट, इट्स डिजाइन मैचेस द हैंड ब्रेक ऑफ टाटा नेक्सॉन, इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ दिस द होल इंटीरियर। इट्स वेरी कंफर्टेबल। I'm so thankful. I think everyone should buy this. Thank you. What's up guys? This is Vitesh with the all new Nexon base model XE. This is the video for the armrest. Super smooth, very comfortable, matching with the interiors. See, this is matching with the handbrake. The same pattern. And very comfortable. Look at us. Check it out guys, and you can buy this from Ankit. Thank you guys. My name is Pramod. I'm from Bangalore. I'm making this video to give a feedback on my hand rest which I bought from Ankit. Ankit, who is author of Ankit Vlogs. The hand rest looks pretty cool on my Nexon XM variant, and let me show you the hand rest, and also I'll tell you how you can contact this person. And I would recommend all XM variants to have this kind of hand rest. This is very comfortable for a long drives. Aftermarket hand rest, you'll get a kind of box variants where you have a difficulty to access handbrakes, but this hand rest looks pretty nice, and also the shape they have given, which is very easy to access your hand rest as well. Once again, thank you Ankit for sending this product, and for this price point I would recommend all the Nexon XM owners to have this kind of hand rest,
and which really eases your long drives. Thank you. This is how the hand rest looks. The installation is very easy. He has provided three screws, which I myself installed this hand rest. This is very easy, guys. You can always contact this Ankit and he'll guide you how to install this. And also the texture used on this hand rest, it really suits my steering cover. So I'm very much happy with the product. As again said, I would recommend all our XM variant owners to contact this Ankit and have this kind of hand rest. Thank you again, Ankit, for sending this product. I'm really happy with the quality and the comfortness which is giving me on the long drives. Thank you. ये मेरा Nexon का arm rest है. देखिए, ये तो perfectly fit होता Nexon को. Only 3 screws है. और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है. मैंने अंकित जी से मंगवाया. थैंक यू अंकित जी. सो दोस्तों, मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इतना अच्छा रिव्यू दिया मेरे आर्मरेस्ट को, इतना अच्छा कमेंट किया, इतना अच्छा मैसेजेस किया व्हाट्सएप पे और मुझे वीडियो तक बना के. अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इस आर्मरेस्ट को तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैंने अपने फ़ोन नंबर को डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशन कर दिया है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. इफ़ यू आर न्यू हेयर, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें.